ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा जो है वह है अंक शास्त्र, जिसके जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भविष्य, भूत और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता, साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए अंक शास्त्र के जरिए जानते हैं कि आपका जो आज का दिन है वह कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। शुरुआत करेंगे मूलांक एक के जातकों से। तो मूलांक एक के जातक प्रॉपर्टी से संबंधित अगर रुके हुए कोई काम है तो वो पूरा आप करेंगे। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से भी मुलाकात होगी। परिवार के साथ किसी मनोरंजक यात्रा पर जाने का भी कार्यक्रम बन सकता है। मित्रों की छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करने में ही भलाई है। उपाय भी करें, गायत्री मंत्र का पाठ करें। मूलांक दो के जातकों की ओर आगे बढ़ें कि अंक शास्त्र के जरिए आज किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करने की सलाह दी जा रही है। व्यापार में प्रतिद्वंदी जो हैं आपके कामों में रुकावटें डालने का प्रयास करेंगे। कारोबार में भी कोई मशीनरी खराब होगी जिसे ठीक करवाने के लिए पैसा जो है वह खर्च होगा। उपाय करना है, रात्रि में दूध का सेवन न करें। बढ़ते हैं अगली मूलांक संख्या की ओर जो है मूलांक तीन। तो बृहस्पति देव के प्रतिनिधित्व में आज मेहनत से किसी किए गए जो कार्य हैं सभी कामों के उचित परिणाम आपको तो मिलेंगे ही। नौकरी में आपके काम की उच्च अधिकारी सराहना भी करेंगे। दूसरों की तरक्की से जलने की भावना उत्पन्न हो सकती है, सावधानी बरतें। उपाय करना है, सोना धारण करें। अगली मूलांक संख्या है मूलांक चार। तो मूलांक चार के जातक आज सोच समझ कर किए गए जो निवेश है उनसे भविष्य में जरूर लाभ मिलेगा। नौकरी में बदलाव के बारे में विचार कर सकते हैं। ससुराल पक्ष से कोई रिश्तेदार घर में अतिथि बनकर आएगा। घर में बिजली का कोई उपकरण खराब होने के संकेत हैं। उपाय करना है, सरस्वती माता की आराधना करें। अगली मूलांक संख्या है मूलांक पांच। तो मूलांक पांच के लिए आज के अंक राशि के अनुसार दिन भर ऊर्जा से आप तो भरे रहेंगे, लेकिन कार्य क्षेत्र में रुके काम गति भी प्राप्त करते दिखाई दे रहे हैं। घर में माहौल सुखद होगा। दिनचर्या में कुछ सकारात्मक यानी पॉजिटिव बदलाव करने की कोशिश आपकी होगी। भाई बहनों के बीच सामंजस्य बना रहेगा। उपाय भी करना है, बहनों को जो है छोटे या बड़ा उपहार दें। अगली मूलांक संख्या है मूलांक छह। तो आज आलस्य के कारण किसी जरूरी काम को न करने का जो असर है वो आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। दूसरों की अपेक्षा अपने निर्णयों पर विश्वास रखना है। जीवन साथी के साथ अगर संबंधों में खटास चल रही थी तो उसमें भी मधुरता बढ़ेगी। उपाय करना है, लक्ष्मी माता की आराधना करें। आती है बारी मूलांक सात के जातकों की। तो आज संतान को आपके अच्छे मार्गदर्शन के कारण कोई उपलब्धि मिलने की संभावना है। किसी पुराने मित्र के साथ मुलाकात कर पुरानी यादें ताजा होंगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से तो आज का दिन सामान्य रहने वाला है। उपाय भी कर सकते हैं, गणेश भगवान को दुर्वा अर्पित करें। अगली मूलांक संख्या है मूलांक आठ। तो मूलांक आठ के जातक दिन भर आत्मविश्वास से भरे तो रहेंगे। कार्य क्षेत्र में भी आपकी दक्षता आपके पदोन्नति के रास्ते खोलेगी, प्रशस्त करेगी। कारोबार में भी आपका दबदबा बना रहेगा। प्रॉपर्टी का अगर काम करते हैं तो उन व्यक्तियों को तो लाभ ही लाभ मिलता दिख रहा है। उपाय भी कर सकते हैं, काले तिल को जल में मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करना है। अगली मूलांक संख्या है मूलांक नौ। तो मूलांक नौ के जातक जो हैं अगर विद्यार्थी वर्ग है तो आज अपने करियर को लेकर दुविधा महसूस कर रहे हैं। संतान की गतिविधियों पर जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, उनको नजर रखनी होगी। खर्चों की अधिकता के कारण तनाव भी उत्पन्न हो रहा है। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करने का लेकिन मौका जरूर मिलेगा। उपाय भी करना है कि सुंदर कांड का पाठ करें।